अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हो सब कैरियर से होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और 10 मिनट डिजर्ट की रेसिपी इसका नाम है मलाई रोल या फिर आप इसको टर्किश डिलाइट टर्किश सुल्तान लकुमो भी कह सकते हैं नाम बहुत सारे हैं लेकिन है बहुत मज़े की रेसिपी अगर चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक ट्रे आ, मैंने यहाँ पे यूज़ किया नाइन बाई थर्टीन इंच की थोड़ी बड़ी भी हो तो भी चलेगी और इसमें आपने तकरीबन आधा कप या रफली एक कप के जितना आपको चाहिए होगा पिसा हुआ खोपरा और वो आपने पूरा इस तरह से डिश में बिछा देना है जितना भी यूज़ हो बस ट्रे जो है वो पूरी कवर हो जानी चाहिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ मुझे ये रिसीव हुआ है नाइन पीस कुकवेयर सेट बाय कोच सिस्टम सी एस इस कुकवेयर सेट में वो तमाम पॉट्स और पैन्स इंक्लूडेड हैं जो कि किसी भी एक बेसिक uh, किचन और कुकिंग के लिए ज़रूरी हैं जैसे कि इसमें सॉस पैन भी है टेन इंच फ्राई पैन भी है और स्टॉक uh, पॉट है साथ में ही uh, मेरा फेवरेट सौते पैन भी है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रही हूँ और उसको आप ज़रूर चेक कीजिए और चेकआउट करने से पहले क्यूपॉन कोड ज़रूर अप्लाई करें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अब यहाँ पे मैंने सी एस का ही सॉस पैन लिया है और ऐड किया दो कप के जितना मिल्क और इसको बॉयल करना है जब दूध बॉयल हो जाए तो उसमें आपने ऐड कर देनी है हाफ कप के जितनी चीनी और एक दो मिनट पकाएं जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो आपने इसमें ऐड करना है आधा कप के जितना मैदा और ये अभी मैं आपको मैदे के साथ रेसिपी सिखा रही हूँ एक कॉर्नफ्लावर के साथ भी है वो पर नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी मैदा ऐड करने से पहले आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है दो हिस्सों में मैंने ऐड किया और साथ ही आपने क्विकली तेज़ी से इसको जो है ना विस्क आपने चलाते रहना है ताकि बहुत ज़्यादा इसकी गुटलियाँ ना बने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे मैं आ, हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ आप भी चाहें तो करें नहीं तो बस विस्क से ही आप थोड़ा सा बीट करेंगे तो मिक्सचर विल बी स्मूथ अब यहाँ पे आ, मेरे पास है पच्चीस ग्राम यानी रफली कह लें टू टेबल स्पून के जितना बटर और इसको ऐड करके भी आपने मिक्स कर लेना इसके बाद आपने ऐड कर देना है आ, वन टीस्पून भर के वनीला एसेंस और फिर इसको मिक्स कर लें दिस मिक्सचर इज रेडी बस जैसे ही ये मिक्सचर रेडी हो जाए तो आपने इसको जो पहले से हमने कोकोनट सेट किया हुआ था इसके ऊपर ऐसा से आपने इस पूरे मिक्सचर को फैला लेना है और श्योर sure कि आप इसको फैलाएं ही वरना आपको बाद में इसको स्प्रेड करने में आ, मुश्किल हो जाएगी और बस फिर आप स्पैचुला से इसको जल्दी जल्दी सेट कर लें अब इस ट्रे को मैं फ्रिज में रख दूंगी फॉर अराउंड थर्टी मिनट्स यानी आधा घंटा ताकि ये सेट हो जाए अब हम तैयार करेंगे इसकी बहुत ही मज़े की इजी क्विक लाइट सी फिलिंग और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कप की जितनी हैवी क्रीम आपके पास अगर ना हो तो फिर आप रेगुलर पैक क्रीम ऑल पर्पज पर क्रीम से ही आपको काम चलाना पड़ेगा क्रीम को बस आपने थोड़ा बीट करना है और उसके बाद ऐड कर दें टू टेबल स्पून की जितनी चीनी और इसको आपने इतना बीट कर लेना है कि ये बिल्कुल थिक हो जाए टर्किश delight की ये जो बेस है बहुत अच्छी सेट हो चुकी है और ठंडी भी है विच इज़ गुड अब बस जितनी भी ये जो विप क्रीम है ये मैं इवनली इसके ऊपर पूरी फैला दूंगी जितना इवनली uh, आप क्रीम को सेट करेंगे उतने ही uh, अच्छे खूबसूरत आपके रोल्स जो हैं वो तैयार होंगे इसके बाद आप एक नाइफ़ लेके इसको इस तरह से पीसीस में कट कर लें बस इतना ज़रूर देख लें आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि आपने किस साइड से काटना है ताकि आप इसका रोल तैयार कर सकें और इसी पॉइंट पे आप चाहें तो एज ए फिलिंग पिस्ता बादाम अखरोट इसके अंदर यू नो ऐड कर सकते हैं वो फिर लेयर्स में आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा अब आता है इस रेसिपी का थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं अच्छा इस तरह का स्पून लेके आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है और आहिस्ता आहसा आपने इसको लिफ्ट करना और एक हाथ से इसको रोल करते चले जाना है कहीं पे वो चिपके तो आप कोकोनट यूज़ कीजिएगा एंड या yeah, दैट्स इट इस तरह से बस आपने अब ये जो मलाई रोल्स हैं ना वो एक, एक करके डिश से आपने निकालने आखिर में आपने इसको सजा लेना है क्रश किए हुए पिस्ते के साथ बादाम के साथ पिस्ता ये कि थोड़ा इसके साथ कॉम्बिनेशन में ज़्यादा उठेगा या फिर गुलाब की पत्तियों के साथ वट एवर यू लाइक या जो भी आपके पास मौजूद हो तो लीजिए तैयार है बहुत ही मज़े का डिज़र्ट जिसका नाम है आ, मलाई रोल टर्किश डिलइट या फिर टर्किश सुल्तान लकोमो भाई नाम जो भी हो बस रेसिपी जो है ना वो खाने में अच्छी होनी चाहिए आपका क्या ख़्याल है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप इसको राइट अवे भी, भी सर्व कर सकते हैं या चाहें तो कुछ देर फ्रिज में ठंडा करें और सर्व करें एंजॉय करें और ये आप देखिए कि कितना क्रीमी है ये खाने में बहुत ही मज़े का और यूनिक है जायके में एंड इट्स वेरी लाइट ज़रूर ट्राई करें तो ये थी आज की रेसिपी आई होप आप लोगों को पसंद आएगी फॉलो कर ले मुझे इंस्टाग्राम पे यूजर ने मैं होम इन द किचन अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे दो में याद रखें अल्लाह हाफिज